हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अश्वनी कुमार गुप्ता है। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना सिखाऊंगा। तो ये मेरा स्विंग के ट्यूटोरियल का 6th वीडियो है। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके इसके पहले के वीडियो को देखें ताकि आपको ये प्रोग्राम अच्छे ढंग से समझ आ सके। चलिए, मैं इस ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसा बनेगा मैं आपको पहले दिखा देता हूँ इसका सैम्पल। देखिए, मैं कुछ ऐसा ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाऊंगा जिसमें नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, चेक बॉक्स, यहाँ पे इन सबों की वैल्यू लेके और प्रिंट बटन पर क्लिक करने पे इस टेक्स्ट बॉक्स में, सॉरी टेक्स्ट एरिया में हमारी वैल्यू स्टोर होके हमको डिस्प्ले होके। चलिए, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने एक इक्लिप्स की आईडी मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं वहाँ गया हूँ और चूंकि ये मेरा वीडियो पुराना, मैंने स्विंग के बारे में पहले पढ़ाया आपको, तो आप मेरे पूरे पुराने वीडियो में देख सकते हैं। मैंने यहाँ एक बेसिक कोड लिख के रखा है। वो कोड में क्या है मैं बता दूँ, मैं जल्दी मैं आपको एक बार ब्रीफली इंट्रोडक्शन इसका दे देता हूँ। तो इसमें मैंने स्ट्रिंग पैकेज को इंपोर्ट किया है और AWT पैकेज को भी इंपोर्ट किया है। मैंने क्लास बनाया है यूज़र रजिस्ट्रेशन नाम से। इसके अंदर मैंने मेन मेथड लिखा है, चूंकि एक विंडो बनानी होती है तो मैंने जे फ्रेम का ऑब्जेक्ट बनाया है। फिर उसको सेट विजिबल ट्रू किया है, सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन, ये ताकि इस बटन पे क्लिक करें तो मेरा प्रोग्राम बंद हो जाए, यानी जो मेरा विंडो बनेगा उसके बटन पे। और उसके बाद मैं उसको सेट बाउंस किया हूँ, मतलब विंडो की साइज़ निर्धारित किया मैंने। फिर उस पर टाइटल सेट किया है और फिर कंटेनर को का मैंने ऑब्जेक्ट बना के उस पर गेट मेथड मेथड को कॉल किया है और उसका लेआउट को नल किया है। ये एक बेसिक सिंपल सा प्रोग्राम है, इतना मैं पुराने वीडियो में बना चुका था तो मैं इसको ऐसे यूज़ कर लिया ताकि मैं इस वीडियो में आगे चल सकूँ, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। तो मैं इसको रन करवा के दिखाता हूँ। देखिए, अभी मेरा ये सिंपल सा एक पेज बना हुआ है जिसमें सिर्फ टाइटल सेट है और कुछ नहीं है। अब मुझे उसके जो मेरा विंडो था, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाला, उसके हिसाब से मुझे लेबल बनाना होगा। पहले हम लेबल बना के दिखाते हैं कौन कौन से। मैं नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, इन सबों का लेबल बनाता हूँ, ठीक है। तो लेबल बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे जी लेबल, मैं एक पहले ऊपर रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिख देता हूँ और उसका मैं फॉन्ट क्लास का ऑब्जेक्ट भी बना लेता हूँ ताकि जब भी मुझे ज़रूरत होगी तो मैं इसको यूज़ कर लूँगा। न्यू जे नहीं, न्यू फॉन्ट, ताकि फॉन्ट स्टाइल को मैं सेट कर लूँगा, इससे फ़ायदा ये रहेगा जहाँ मुझे ज़रूरत होगी। तो मैं एरियल और फॉन्ट डॉट, सॉरी फॉन्ट डॉट बोल्ड, और इसकी साइज भी मैं दे देता हूँ, चलिए 22 दे देता हूँ। अच्छा, ये जहाँ ज़रूरत होगी मैं यूज़ करूँगा। अब मुझे एक जे लेबल बनाऊँ, जे एल ए बी ई एल, जे लेबल, सॉरी जे लेबल, और इसको लिख देता हूँ मैं लेबल इज इक्वल टू न्यू जे लेबल, और इसमें मैं लिख देता हूँ यूजर रजिस्ट्रेशन और फॉर्म, ठीक है। अब मैं इसको सेट बाउंस कर देता हूँ, तो लेबल डॉट सेट बाउंड्स, सेट बाउंड्स में मैं डाल देता हूँ इसको ऊपर से ये 200, 10 ऊपर से थोड़ा सा छोड़ के आए, और ये 400 कर देता हूँ, इतना बड़ा होगा हो सकता है, और इसकी हाइट में 40 सेट कर देता हूँ। और इसको डिस्प्ले करवाने के लिए मुझे लिखना होगा सी डॉट एड, ठीक है, और किसको, लेबल को। तो पहले तो मैं इसको डिस्प्ले करवाता हूँ, देखिए। अच्छा, मैं इसका कलर भी सेट कर देता हूँ, रेड कलर का उसमें लिखा था। तो मैं लेबल डॉट सेट फोर ग्राउंड में कलर डॉट
रेड कर देता हूँ, ठीक है। चलिए फॉन्ट भी मैं सेट लगा देता हूँ, तो लेबल डॉट सेट फॉन्ट, और मैं इसमें एफओ को पास कर देता हूँ। अगर आप इतने पे देखें तो मेरा एक सिंपल सा भी प्रोग्राम जो रन कराऊँगा तो एक यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिख के आएगा। अब मुझे यहाँ से स्टार्ट करनी है नेम मोबाइल नंबर वाले से, तो मैं एक काम करूँगा, मुझे एक और लेबल जे लेबल बनाना होगा, तो मैं इतने को कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी और यहाँ आता हूँ कंट्रोल वी। यहाँ मैं इसको एक नाम दे देता हूँ, स्टूडेंट मान लीजिए नेम लिख देता हूँ, तो ST_name लिख देता हूँ, ठीक है। कुछ भी रख सकते हैं आप जो चाहें, और यहाँ पे लेबल में लिख दीजिए केवल नेम नेम, ठीक है। सेट बाउंड्स करना होगा तो ST_name.setBounds कर लीजिए, ये 50 50 50 60 30 दे दीजिए, 50 इधर से 50 इधर से, 60 इसकी विड्थ और 30 इसकी हाइट हो जाए। और इसको डिस्प्ले कराने के लिए C.add करेंगे आप ST_name, ठीक है। चलिए इतने पे आपको एक मिल जाएगा लेबल, और मुझे एक और लेबल बनाना होगा ना, एक और लेबल बनाना होगा नेम के बाद मुझे कॉन्टैक्ट का, जैसा कि आप देखें तो इसमें मैंने नेम मोबाइल नंबर का बनाया है, ठीक है। तो चलिए मोबाइल नंबर का एक लेबल बना लेता हूँ, तो मैं दोबारा इसको कॉपी कर देता हूँ। अच्छा इसके आगे टेक्स्ट बॉक्स ही बनाता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स साथ साथ बनाते चल रहा हूँ, और एक टेक्स्ट बॉक्स और ये बना लूँगा तो उससे फ़ायदा होगा। तो मैं जे टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए टेक्स्ट फील्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा मैं, ठीक है। लेकिन एक दिक्कत है, जो जे टेक्स्ट फील्ड होगा उसको मुझे किसी दूसरे मेथड में एक्सेस करना होगा, और वो आउटसाइड मेन होगा क्योंकि मैं बटन के क्लिक पे ही काम कराऊँगा, तो इसीलिए मैं इसको यहाँ बाहर डिस्प्ले कर देता हूँ, यानी स्टैटिक और जे टी ई एक्स टी टेक्स्ट फील्ड, जी टेक्स्ट फील्ड क्लास का आप ऑब्जेक्ट बना लीजिए और इसको दे दीजिए नेम, ठीक है। अब आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे लिखिए नेम इज इक्वल टू न्यू जे नेम, सॉरी जे नेम नहीं, जे टेक्स्ट ई एल डी, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं पास करना है, और आपको एक और काम करना होगा कि इसका सेट बाउंड्स करना होगा, नेम डॉट सेट BOUND सेट बाउंड्स, और चूँकि सी के सामने आए, सामने आने के लिए मुझे क्या करना होगा कि एक्स में मुझे चेंजेस करना होगा, बाकी मैं चीज़ें सेम छोड़ सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, इसमें 150 पास करता हूँ एक्स में, वाई मेरा वही रहेगा 50 क्योंकि उसी के बराबर बनना है। फिर जो मेरी विड्थ है वो मैं लिख देता हूँ 150 और हाइट में 25 रख देता हूँ। चलिए और इसको डिस्प्ले कराने के लिए मुझे लिखना होगा C.add, और मैं एक चीज़ देता हूँ क्या, नेम NAME। चलिए मैं इतने को रन करवा के एक बार दिखा देता हूँ आपको, इसके बाद मेरा काम थोड़ा तेज़ी से हो सकता है। अच्छा ये दिखे ना, तो आप ऐसे इसको छोटा बड़ा थोड़ा कर दीजिए, ये दिखना है शायद। अब इसी के नीचे बनाना है, फिर सेम काम रिपीट करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये इतना पूरा यहाँ से यहाँ तक मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कंट्रोल सी करता हूँ, तो मैं थोड़ा नीचे ला के इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इस बार मुझे नेम मेरा बन गया, नेम बनने के बाद मुझे इस बार अब बनाना है मोबाइल के लिए, और तो लेबल को मैं रख देता हूँ
यहाँ मैं इसको मिटा के और कर देता हूँ कॉन्टैक्ट, ठीक है कुछ भी लिख सकते हो आप, उसी से रिलेटेड मैं कर देता हूँ। और यहाँ लिख देता हूँ मैं मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर। अच्छा सेट पाउंड्स मुझे कॉन्टैक्ट डॉट, देखिए मैं थोड़ा सा कॉपी पेस्ट किया हूँ, इससे फ़ायदा है कि वही चीज़ मुझे बार बार लिखनी है। अच्छा अब मुझे केवल और केवल 50 कर दिया था मैंने इसको ना, अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ, तो मैं यहाँ पे 100 कर दूँ बस, क्योंकि वाई में चेंजेस करने बाकी चीज़ें सेम रहेंगे। इसी तरीके से नीचे आता हूँ और टेक्स्ट फील्ड जो है हमारा यहाँ पे, टेक्स्ट को भी मैं इसको कर देता हूँ मोबाइल। अच्छा ये एरर दे रहा है अभी, मैं इसको ऊपर डिक्लेयर कर दूंगा जाके, तो मेरा ये एरर सही हो जाएगा मोबाइल, ठीक है। सेट बाउंड्स कर देता हूँ, तो ये वाई में मुझे चेंजेस करने होंगे 100, बाकी चीज़ें मैं एज इट इज छोड़ देता हूँ। और मैं इन दोनों को फिर से दोबारा कॉपी करके कंट्रोल सी और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ लिख देता हूँ क्या कॉन्टैक्ट, और यहाँ लिख देता हूँ मोबाइल। क्योंकि मेरा ये मोबाइल एरर आ रहा है क्योंकि मैंने टेक्स्ट फील्ड को बाहर रेफरेंस देना है, तो नेम कॉमा यहाँ लिख देता हूँ मोबाइल, ठीक है। अब ये एरर दूर हो जाएगा मेरा, देखिए ये एरर दूर हो गया। और मैं इसको रन करवा के चेक करूँ, बीच बीच में रन करवाने से फ़ायदा रहता कि मुझे पता चलता चला जाएगा। देखिए नेम मोबाइल बन गया मेरा। अब मुझे बनाना है कम्बो बॉक्स, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ के लिए। जरा मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिए मैंने एक चीज़ बनाया, मैंने यहाँ पे 3 कम्बो बॉक्स बनाया है, ठीक है, तो 3 कम्बो बॉक्स बनाया है, तो आपको ये चीज़ ध्यान देना होगा। चलिए मैं यहाँ पे दोबारा रन इसको लिखता हूँ, और थोड़ा नीचे आने के बाद ये तो मुझे कॉपी करना होगा क्योंकि ये मेरे काम का होगा, और फिर कम्बो बॉक्स मुझे बनाना होगा पूरा, तो मैं उसको फिर से कर लूँगा। यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको लेबल को DOB कर देता हूँ, डेट ऑफ बर्थ के लिए, और यहाँ लिखता हूँ डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। और इसका सेट बाउंड्स मुझे करना होगा, तो मैं केवल यहाँ चेंज कर देता हूँ 150 कर देता हूँ, वाई में चेंज हो जाए, और यहाँ पे भी DOB लिखना होगा। और मुझे अभी ऐड करना है इसको J लेवल को, तो C.add और मैं कर देता हूँ इसको DOB, ठीक है। अब इसके लिए मुझे कम्बो बॉक्स बनाना है, कम्बो बॉक्स के लिए मुझे J कम्बो बॉक्स को भी बनाना पड़ेगा ऊपर, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ स्टैटिक और JCOM कॉम्बो बॉक्स, ठीक है, जे कॉम्बो बॉक्स। और एक ले लेता हूँ डे नाम से, एक ले लेता हूँ मंथ, और एक ले लेता हूँ ईयर। ये रेफरेंस मैंने बना लिया, और मैं आगे इसको यूज़ कर सकता हूँ एक एक को, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं डे इज इक्वल टू न्यू जे कॉम्बो बॉक्स, और इसमें लिख देता हूँ डे इज इक्वल टू न्यू जे, आपको इसमें एरे पास करना होता ना एक, तो अब कॉम्बो बॉक्स में वैल्यू चाहिए इसको, तो वैल्यू के लिए चूँकि डे 1 से 30 तक मुझे इसमें नंबर चाहिए, तो मैं इस नंबर को एक लूप से डाल दूंगा तो अच्छा हो जाएगा। और वो लूप से डालने से पहले मुझे एक एरे डिक्लेयर करना होगा, स्ट्रिंग, और एक मैं यहाँ पे एरे ले लेता हूँ डे अंडरस्कोर ARR नाम से, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू STRING स्ट्रिंग। और चूंकि इसकी लेंथ जो होती है मैक्सिमम एक मंथ में 31 डेज होते हैं, तो मैं इसकी लेंथ 31 डिक्लेयर कर लेता हूँ, न्यू स्ट्रिंग, और क्या रहा कैन नॉट
क्या एरर कर दिया मैंने इसमें? अच्छा मैं देखता हूँ अभी। अच्छा ये ब्रैकेट लगा, ओह सॉरी, अरे है ना, जल्दी जल्दी में गलतियाँ हो जाती हैं। चलिए अब इसकी वैल्यू को मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं डे अंडर स्कोर ए आर आर पास कर देता हूँ, डे अंडर स्कोर ए आर आर पास कर देता हूँ, ये अरे को पास कर देता हूँ, इसका सेट बाउंड्स भी कर लेता हूँ मैंने लगे हाथ, लेकिन इसकी वैल्यू चाहिए तो मैं वैल्यू भी ले जाता हूँ, डे डॉट सेट बी ओ यू एन डी एस सेट बाउंड्स कर देता हूँ, और सेट बाउंड्स में मैं डाल देता हूँ 150 तो रहे ही, और 150 150 थोड़ा सा किसका रहेगा, ठीक है, और 50 और 30 कर देता हूँ। अच्छा इसकी वैल्यू के लिए मुझे एक लूप चलाना होगा, तो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1 से लेके आई इज लेस देन इक्वल टू 31 और आई प्लस प्लस, और इसके अंदर मुझे क्या करना होगा, ये वैल्यू मुझे इसके अंदर डालनी है, तो डे अंडर स्कोर ए आर आर, ठीक है, मैं डालनी है। अब इसके जीरो से इंडेक्स से वैल्यू जाएगी, और यहाँ पे मैंने इंडेक्स 1 लिखा है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई माइनस 1, ठीक है, आई माइनस 1 का मतलब है ये जो वैल्यू जाएगी पहले जीरो से इंडेक्स पे जाएगी आई की वैल्यू, ठीक है। और देखिए जो वैल्यू मुझे डालनी है वो आई की डालनी है, लेकिन ये जो है स्ट्रिंग टाइप अरे है, तो मुझे इस इंटीजर को, जो इंटीजर है इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा, तो आपके पास थोड़ी नॉलेज होनी अगर होगी तो आप लिख सकते हो इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग, ये मेथड होता है, सॉरी टू स्ट्रिंग, ये क्या करता है, इंटीजर टाइप जो भी वैल्यू देंगे आप, यानी आई की वैल्यू को ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके और फिर इसके अरे के अंदर इनिशियलाइज कर देगा, ठीक है। चलिए जरा मैं इसको रन करूँ। अच्छा इसको दिखाने के लिए मुझे सी डॉट एड और किसको लिखना पड़ेगा, डे को, ठीक है। अब मैं एक बार रन करवा के आपको दिखा देता हूँ इसको एक बार, थोड़ा वीडियो लंबा होगा तो धैर्य रखिएगा, मैं एक एक लाइन आपको दिखा रहा हूँ। देखिए अगर मैं क्लिक करूँगा, देखिए 1 से 30 तक इसमें आ गया होगा, 31 तक सॉरी, ठीक है। अब मुझे एक काम करना है, ये डेट ऑफ बर्थ थोड़ा सा छोटा दिख रहा है क्या, चलिए मैं अभी इसको सही करता हूँ, डेट ऑफ बर्थ थोड़ा छोटा दिख रहा है, तो इसको भी आप विड्थ इसकी 100 कर दीजिए, ठीक है, तो ये थोड़ा सा सही हो जाएगा। अब जैसे आपने डे के लिए लिखा है सॉरी, वैसे ही आपको मंथ के लिए भी लिखना होगा, तो मंथ के लिए आपको फिर से ये पूरा लिखना होगा, ये करना होगा, पहले पूरा मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है, यहाँ मैं मंथ ए आर आर बना लेता हूँ, MONTH। अच्छा एक बात और है कि मंथ में मुझे डायरेक्टली इनिशियलाइज कर सकता हूँ, मंथ का नाम चूंकि स्ट्रिंग ही होता है, तो मैं स्ट्रिंग में करने के लिए इसको इनिशियलाइज कर लेता हूँ और इसको मिटा देता हूँ, जितने मंथ होते हैं मुझे यहाँ पे लिखना होगा, तो मैं कुछ मंथ लिख देता हूँ, बाकी आप लिख लेना, जनवरी, ठीक है, फरवरी, मार्च, ठीक है, अप्रैल, एपी अप्रैल कॉमा मई, बाकी आप खुद कर लीजिएगा इसके आगे के लिए, मैं इतने पे इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जैसे डे के लिए बनाया था वैसे क्या लिख दूँ, इसको मंथ ए अंडर स्कोर ए आर आर कर देता हूँ, और मुझे ये जो एक्स है उसे मुझे बढ़ाना होगा, तो मैं इसको 200 कर दूँ, अगर 200 कर दूँ, और बाकी चीज़ें तो रहने देता हूँ, और इसको डिस्प्ले कराने के लिए मुझे क्या करना होगा, सी डॉट एड, और मुझे मंथ को भी ऐड करना होगा इसमें ताकि डिस्प्ले होगा। अच्छा मैं ईयर को भी यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, ऊपर मैं काम करने चला हूँ ईयर के लिए, ठीक है, ऐड करने वाला काम चूँकि यहाँ कर लेता हूँ लगे हाथ,
अब मैं एक काम करता हूँ, ईयर चूंकि फिर वही कॉन्सेप्ट होगा इंटीजर वाला, तो मैं इसको फिर से कॉपी करता हूँ पूरा, कंट्रोल सी, और ईयर के लिए मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल भी कर देता हूँ, यहाँ ईयर अंडरस्कोर ARR होगा, और यहाँ पे भी ईयर अंडरस्कोर ARR की वैल्यू आएगी, और ये होगा AR, ये होगा YEAR, और ये सन आप कब से चलाना चाहते हो, तो जब से चाहो, मान लो नए 19, चलिए जब से हमारा देश आज़ाद हुआ था तब से मैं चला देता हूँ इसको, और 2020 तक चला देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से इसकी जो लेंथ है, मान के चलिए आज 50 में 70 और दिन 73, 73 ले लेता हूँ, 74 ले लेता हूँ, ठीक है। और ईयर अंडरस्कोर ARR में इसकी वैल्यू जाएगी, और फिर वही काम होगा। अब मैं इसको, अच्छा, सेट बाउंड्स में मैं क्या कर दूँ, इसकी वैल्यू को भी मुझे चेंज करना होगा ना ईयर की, तो ईयर की वैल्यू को मैं सेट बाउंड्स 250 कर देता हूँ यहाँ से, बाकी छोड़ देता हूँ, और रन करवा के चेक करता हूँ। अब इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हमको दिख जाएगा, देखिए क्या होता है, कुछ गड़बड़ लिख दिया मैंने, कहाँ गया, अरे अच्छा यहाँ पे मैं, चलिए 84 के लिए इसकी साइज छोटी पड़ रही थी तो इसलिए ऐसा एरर आया है। कहाँ गड़बड़ हो गया, 1946, एक काम करता हूँ मैं 1951 से ले देता हूँ, और यहाँ कर देता हूँ, यहाँ कितना कर दूँ, तो 70 कर दूँ तो हो जाना चाहिए, ठीक है चलिए, क्योंकि ये चलिए अभी भी एरर है, किस लाइन में एरर है, एक मिनट मुझे चेक करना होगा। 19 आई इज इक्वल टू आई माइन, अच्छा आई माइनस वन लिखा है मैंने, ये प्रॉब्लम थी, वो 1951 होगा ना, तभी तो उसकी वैल्यू वहाँ पे जाके स्टोर, सॉरी, चलिए अब सही हो गया। चलिए इसको छोटा बड़ा कर लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए ये सारा हमारा, देखिए थोड़ा सा एडजस्ट नहीं हो रहा, तो इसकी साइज को थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ईयर दिखने रहा पूरा, तो मैं इसकी साइज को भी, ईयर को 160 कर दीजिए, यहाँ पे 50 या 70 कर दीजिए, चलिए अब ये ईयर पूरी तरीके से आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये रिफ्रेश होने की दिक्कत है, अब देखिए ये मेरा पूरा ये आ रहा है, ये आ रहा है, और ऐसे आ रहा है 1991 से लेके 2020 तक। चलिए अब हमारा अगला काम है, हमारे काम के हिसाब से अब मुझे जेंडर के लिए रेडियो बटन बनाना है, ठीक है, फिर टेक्स्ट एरिया बनाना होगा, तो चलिए अब मैं एक काम फिर से करता हूँ, रेडियो बटन बनाने के लिए मुझे जे रेडियो बटन लेके चलना पड़ेगा, तो इसको मुझे ऊपर डिक्लेयर करना होगा क्योंकि मैं इसकी वैल्यू को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो स्टैटिक और जे रेडियो बटन, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, मुझे एक जे चेक बॉक्स भी यूज़ करना है, ठीक है, तो स्टैटिक और जे CHECK चेक बॉक्स यूज़ करना होगा, तो इसको मैं डिक्लेयर कर देता हूँ, और मुझे एक टेक्स्ट एरिया डिक्लेयर करना है, दो टेक्स्ट एरिया होगा, STA स्टैटिक, तो एक मेरा अच्छा सॉरी रेडियो बटन का मुझे नाम देना होगा ना, तो मान लीजिए मैं रेडियो 1 मेल के लिए और रेडियो 2 फीमेल के लिए कर देता हूँ, चेक बॉक्स को मैं मान लीजिए इसको मैं CH कर देता हूँ, चलिए, और मुझे जे टेक्स्ट एरिया, ये दो टेक्स्ट एरिया मुझे, हाँ टर्म्स एंड कंडीशन आई एक्सेप्ट कर लेता हूँ, आई एक्सेप्ट, और डेट टेक्स्ट है, एक आउटपुट के लिए ले लेता हूँ, और एक
नहीं, टीए ले लेता हूँ। ठीक है चलिए आते हैं, अब एक एक को बनाऊंगा मैं, तो अब यहाँ ऊपर मुझे आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मुझे फिर से देखा जाए तो एक रेडियो बटन बनाना है, तो रेडियो बटन बनाने के लिए पहले लेबल बनाना पड़ेगा और रेडियो बटन, तो मैं यहाँ से ये चीज़ कॉपी कर लेता हूँ इतना। ठीक है नहीं, मैं डेट ऑफ बर्थ के नीचे वाला कॉपी करता हूँ तो मेरे लिए ईजी रहेगा थोड़ा सा। कंट्रोल सी, देखिए मैं सब कुछ एक लाइन से कोशिश कर रहा हूँ करने को। रेडियो बटन बनाना है तो जे, और इसका नाम मैं रख देता हूँ जेंडर, जेंडर, और लेबल में मैं लिख देता हूँ जेंडर, जेंडर डॉट सेट बाउंड्स कर देता हूँ, और ये 50, और यहाँ पे मुझे करना होगा 200 पे कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि 150 तक वहाँ था, जेंडर नीचे बन जाएगा। इसको ऐड कर दूँगा मैं अभी। ठीक है, ऐड करने के साथ साथ अभी मैं एक ही बार में ऐड कर देता हूँ। इसका मैं रेडियो बटन बनाता हूँ, रेडियो 1 इज इक्वल टू न्यू जे रेडियो बटन, और इसमें लिख देता हूँ मैं मेल। ठीक है, और सॉरी, अब मुझे रेडियो 1 को सेट बाउंस करना होगा, रेडियो 1 डॉट सेट BOUNDS बाउंस, सेट बाउंस कर देता हूँ 150, 200, 60, 25 देता हूँ। अच्छा देखा है, तो ऐड अभी बाकी है इन दोनों को करना। कंट्रोल सी एक बार और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी कर देता हूँ, रेडियो 2 कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ फीमेल लिख देता हूँ, फीमेल, और यहाँ रेडियो 2 कर देता हूँ, और इसको भी सेट बाउंड 220 कर देता हूँ, 220 कर देता हूँ, बाकी चीज़ें छोड़ देता हूँ। ठीक है, और इसके बाद अब इन दोनों को ऐड, तीनों को ऐड कर दूँ। ठीक है, सी डॉट ऐड, एक तो जेंडर और दूसरा सी डॉट ऐड रेडियो 1, और सी डॉट ऐड रेडियो 2। यहाँ मैं कॉमा लगा दिया। अच्छा, अब आपको पता है कि अगर मैं रेडियो बटन बनाता हूँ तो मुझे बटन ग्रुप बनाना होता है, क्योंकि नहीं तो दोनों बटन पे क्लिक करूँगा, दोनों सेलेक्ट करें, क्योंकि मुझे एक ही सेलेक्ट करना होता है। बटन ग्रुप क्लास से मैं बटन ग्रुप बना देता हूँ, और चलिए जेन नाम से बना लेता हूँ, न्यू बटन GROUP बटन ग्रुप। ठीक है, और मुझे करना होगा इसमें जेन डॉट ऐड करना होगा किसको, रेडियो 1 को, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और रेडियो 2 को। चलिए ये हमारा रेडियो बटन भी बन गया होगा। अच्छा, अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं एक बार आपको रन करा के दिखा देता हूँ, देखिए ये आ गया। अब हमारे सामने क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये फीमेल छोटा पड़ रहा है, तो फीमेल वाली जो 60 है उसको बढ़ा दीजिए आप, 80 कर दीजिए, इस तरीके से थोड़ा सा ये बन गया। अब हमारे सामने ये बनाना है, मैं आपको दिखा दूँ क्या बनाना है हमें, ताकि आपको क्लियर है। एड्रेस के लिए बनाना है और एक टेक्स्ट एरिया बनाना है, तो चलिए एड्रेस के लिए फटाक से टेक्स्ट एरिया बनाता हूँ मैं। ये सब क्लोज कर दीजिए, क्लोज क्लोज क्लोज। ठीक है, टेक्स्ट एरिया मैं काम करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और मैं दो चीज़ कॉपी कर लेता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स वाला, चलिए इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, क्योंकि मेरा काम जल्दी हो जाएगा इससे।
कॉपी पेस्ट करने से कभी कभी थोड़ा सा काम तेज़ी से हो जाता है, कंट्रोल भी। और मुझे पहले तो यहाँ पे इसको एक लेबल बनाना है, तो ST underscore एड देता हूँ, ठीक है कुछ भी दे लीजिए आप। और यहाँ लिख दे क्या एड्रेस ADDRESS, ठीक है। और ST underscore add, ठीक है। सेट बाउंस करना होगा, तो सेट बाउंस थोड़ा ध्यान दीजिएगा कहाँ करूँ मैं। 50, अच्छा 200 था ना, 250 कर दीजिए, 250, ठीक है। और 37 ये रहने दीजिए। फिर आइए, अब यहाँ पे आपने एक टेक्स्ट एरिया ले लिया, जी टेक्स्ट एरिया बना दिया, और इसका जो 50 और क्या कर दो, 350 कर देता हूँ इसको, क्योंकि 350 कर देता हूँ, और 300 कर देता हूँ, 300, और इसको चलिए इसको भी 200 और 100 कर लेता हूँ, चलिए इसको 100 कर लेता हूँ और इसको 200 कर लेता हूँ, चलिए देखता हूँ। अब यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर दूँ, ST underscore add और TA को C.add ST underscore add और C.add। देखिए थोड़ा सा GUI बनाने में टाइम लग रहा है, लेकिन मैं एक एक लाइन आपको बता रहा हूँ, हाँ धैर्य से काम करते चलेंगे तो बन जाएगा आपका। चलिए ओह ये गड़बड़ आ गया, ये मुझे स्पेस मैंने कहीं गलत दे दिया, चलिए देखता हूँ मैंने कहाँ दिया गलत। यानी सेट बाउंड्स में मैंने यहाँ पे मुझे 150 लिखना चाहिए था, तब ये सामने बनता, मैंने गलत दे दिया था। अच्छा और ये ज़्यादा नीचे आ जा रहा, इसका मतलब है कि मैंने यहाँ पे ये भी 250 होना चाहिए था ना, 250, क्योंकि किसी के सामने बनना, ओह जल्दी से 350, ठीक है देखिए बन गया। अब मुझे एक चेकबॉक्स बनाना है, ठीक है, और ये लिखना है, तो फटाक से चेकबॉक्स ही बना देता हूँ मैं इसके नीचे, और बस ख़त्म होने वाला है मेरा चेकबॉक्स के लिए। चेकबॉक्स में मुझे लेबल तो बनाना नहीं है, तो मुझे सीधे सीधे मैं क्या करता हूँ, IA नाम से मैंने वहाँ पे बनाया था, आई एक्सेप्ट से, और JCHECK चेक बॉक्स, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड DITION, ठीक है। और यहाँ पे मैं चलता हूँ और इसको ऐड कर देता हूँ, तो IA.SETBOUNCE, और मैं लिख देता हूँ 50, 350, 300, 30 लिख देता हूँ, क्योंकि ये बड़ा है तो इस विड्थ इसकी बढ़ानी पड़ेगी, और IA को ऐड कर देता हूँ। C.add IA, ठीक है IA। अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे एक बटन भी बनाना होगा, ठीक है, और एक टेक्स्ट बॉक्स और एक जे टेक्स्ट एरिया और बनाना है, जिसमें मुझे किनारे वो रहे। तो मैं काम करता हूँ बटन पहले बना लेता हूँ, तो btn=new और JBUTT और J button, और इसके अंदर लिख देता हूँ क्या प्रिंट, मैंने लिखा था प्रिंट, ठीक है, और btn.setBounce कर देता हूँ, btn.set, ये अभी एरर दे रहा है तो मैं अभी इसको ऊपर डिक्लेयर कर दूंगा,
तो सही हो जाएगा ये 200 कॉमा 400 कॉमा 100 कॉमा 30 रख देता हूँ। इसको ऐड कर, देखो ये यहाँ लिख दिया मैंने, कंट्रोल एक्स करता हूँ, इसको ऊपर कर देता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल वी, और यहाँ लिख देता हूँ सी डॉट ऐड btn, सी डॉट ऐड और btn लिख देता हूँ। अच्छा एक काम और करना होगा मुझे, जे बटन ऊपर डिक्लेयर करना होगा, स्टैटिक JBUTTON और btn, ठीक है। इतना करने के बाद मैं इसको रन करवा के पहले दिखाऊं तो क्या होगा मेरा, बस मुझे यहाँ पे एक टेक्स्ट एरिया ऐड करना, वो मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने उसके लिए ओपी बनाया है, चलिए नीचे आके मैं ऐड कर देता हूँ, यही टेक्स्ट एरिया मैंने बनाया था ना, यही टेक्स्ट एरिया मैं कंट्रोल सी करता हूँ और दोबारा यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और इसका नाम रख देता हूँ ओपी, ओपी, और ओपी को मुझे सेट बाउंड्स बस करना होगा, ओपी और सेट बाउंड्स मैं कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ उसको 400 कॉमा 400 कॉमा, ऊपर से तो 50 सी के बराबर बने, और 300 कॉमा 200 ऐसे लेके चला हूँ, ठीक है। इसको ऐड करता, अब मेरा GUI बन के लगभग मैं पूरा तैयार हो गया है। सी डॉट ऐड और से मैं क्या लिख दूँ, ओपी, इस तरीके से मेरा GUI बन के प्रिपेयर हो गया, ठीक है। यानी इस अभी तक हम लोगों ने GUI बना लिया है, अब मैं चाहता हूँ कि बस मुझे इस क्लिक पे, बटन के क्लिक पे ये वाली वैल्यू मेरी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। तो आपको पता है इस काम को करवाना बहुत इजी है, मैंने ये काम पिछले उसमें किया था, तो आपको एनोनिमस क्लास का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। तो मैं चलता हूँ यहीं पे एक काम करता हूँ, मैं लिख देता हूँ btn डॉट एड एक्शन लिस्नर, ठीक है, और इसके अंदर चलता हूँ और यहाँ लिखता हूँ न्यू, ठीक है, एक्शन LISTENER एक्शन लिस्नर, ठीक है, और एक्शन लिस्नर, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक बटन बना देता हूँ btn क्लिक नाम से, btn क्लिक, और इसमें एक्शन, इसमें एक आर्गुमेंट पास कर देता हूँ, नहीं सॉरी यहाँ मैं गलत कर रहा था, अभी इसके अंदर मुझे अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स की बॉडी पहले बनानी होती है, ठीक है, तो मैंने यह गलती कर दिया, मैं पहले इसकी बॉडी बनाऊँ, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे क्या करना होगा, देखिए एक एरर दे रहा है, एरर में क्या होगा, अनइम्प्लीमेंटेड मेथड को इम्प्लीमेंट करना होगा, पहले तो AWT को इंपोर्ट करना होगा, फिर एड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, ठीक है, ठीक है, ये मेथड को मुझे इम्प्लीमेंट करना होगा, ओवरराइड करना होता है, तो इसी के अंदर btn क्लिक जो मैं लिख रहा था वो लिख देता हूँ, यहाँ ई लिख देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ btn क्लिक, मेथड का नाम btn क्लिक कर देता हूँ, जो मन कर आप बना सकते हो, मैंने बस btn क्लिक बना दिया। ये बात मैंने पिछले वीडियो में बनाई थी, बताई थी। अब मेरा काम है कि इस btn क्लिक को इम्प्लीमेंट करना, जो हमारा आउटपुट लेके आएगा, ठीक है। तो अब मैं काम करता हूँ कि स्टैटिक वॉइड और btn क्लिक, और इसके अंदर पास से पास करना होगा एक्शन इवेंट ई, ठीक है, और मैं काम करता हूँ ये मेथड मैं मेन के बाहर लिख रहा हूँ, इसके अंदर मुझे बस आउटपुट की कोडिंग आपको दिखानी है। तो
चूँकि मेरी बैटरी लो हो रही है, तो आप वेट करिए, जस्ट एक मिनट में अपना लैपटॉप कनेक्ट कर लूँ चार्जर से। अब लास्ट स्टेप बाकी हैं। चलिए तो मैं अब स्टार्ट करता हूँ। मेरा बैटरी डिस्चार्ज हो गया था। अब मुझे ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा, टेंशन मत लीजिएगा आप। सबसे पहले अब आपको करना क्या है, उस चेक बॉक्स पे बिना बटन, सपोज मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं रन करा के पहले दिखाऊँ मैं करना क्या चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस बटन पे क्लिक करो तो आउटपुट आए, लेकिन कोई अगर इस चेक बॉक्स पे बिना क्लिक किए, सपोज यहाँ मैंने ए लिखा और मैं कुछ बिना क्लिक किए अगर इसको क्लिक करूँ तो यहाँ पे कोई आउटपुट ना आए या एक मैसेज है प्लीज़ चेक द चेक बॉक्स, तो पहले ये काम करवाता हूँ। ठीक है, तो इस काम के लिए मुझे पहले क्या करना होगा, इफ उसका नाम क्या था, आई एक्सेप्ट था डॉट, मुझे चेक करना पड़ेगा वो सेलेक्टेड है कि नहीं, इस सेलेक्टेड, और अगर ये ट्रू है इसके अंदर मैं क्या देख चेक कर लेता हूँ, अगर ये ट्रू है, सॉरी डबल इक्वल टू ट्रू है, मतलब ये डबल इक्वल टू क्या है, ट्रू है स्मॉल में ट्रू है, तो ये काम मुझे करवाना है। क्या करवाना है, करवाना है कि भाई जो जो आउटपुट आएगा वो मैं इसके अंदर डालूंगा, अगर नहीं है तो पहले क्या करवाना है, ये क्वेश्चन उठता है मेरे सामने। मैं सिर्फ का एल्स लिख देता हूँ, तो ये क्या करे, ये ओपी के अंदर, ओपी मतलब जो हमारा आउटपुट है उसके अंदर लिख दे कि डॉट सेट टेक्स्ट नाम का मेथड होता है, इससे इसके अंदर जाके लिख दे प्लीज सेलेक्ट चेक बॉक्स, या जो भी टर्म्स एंड कंडीशन जो आप लिखवा सकते हो चाहे जो इच्छा हो। चलिए पहले इतना कोड लिख के देखते हैं, क्योंकि ये चरण कर जाएगा तो फिर मेरा कोई, देखिए मैं यहाँ पे कोई लिखता हूँ और क्लिक करता हूँ, देखिए ये मैंने चेक नहीं किया था इसलिए एरर है। अब मैं इस क्लिक करता हूँ, अब ये एरर दूर हो जाना चाहिए। ठीक है, ये एरर इसीलिए आ रहा था। ठीक है, इस सेलेक्टेड ट्रू है तो ये काम हो। ठीक है, अब मुझे एक काम करवाना है कि अगर ऐसा नहीं हो, यानी कोई लिख के कुछ करता है तो क्या हो, तो उस केस में मुझे इसके अंदर की कोडिंग कंप्लीट करनी होगी। इस सेलेक्टेड डबल इक्वल टू ट्रू, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर की कोडिंग में सबसे पहले जो नेम गेट करना है, तो मैं लिखूँगा स्ट्रिंग और मेरा वेरिएबल का नाम था एस टी नेम था इज इक्वल टू और नेम डॉट गेट टेक्स्ट नेम मेरा आ जाएगा इसके अंदर। अच्छा, जिस तरीके कॉन्टैक्ट से भी मैं लेके आता हूँ स्ट्रिंग और कॉन्टैक्ट में मोबाइल था मेरा मोबाइल डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है, और इसके बाद मेरा डे था मंथ था, यानी डे नेम मंथ स्ट्रिंग और डे अंडरस्कोर नेम नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ इज इक्वल टू होगा इसको, तो गेट सेलेक्टेड नाम का मेथड होता है आपको पता होगा, इसको टाइप कास्ट करना होगा, ये मैंने पुराने वीडियो बनाया था डे डॉट सॉरी डे डॉट गेट सेलेक्टेड आइटम। ठीक है, इस तरीके से ये मेरा डे के लिए आ जाएगा, कंट्रोल सी मैं डे के लिए आ गया, फिर तीनों के लिए लेके आता हूँ, डे के लिए मंथ के लिए ईयर के लिए मंथ और
ईयर, ठीक है, ये सारी वैल्यू मेरी आ गई। अब इसके बाद मुझे किसके लिए लिखानी है, रेडियो बटन की। तो रेडियो बटन के लिए मैं एक ट्रिक लगा देता हूँ स्ट्रिंग, और मैं मान लेता हूँ जी इज इक्वल टू, पहले से ही उसमें मेल पड़ा हुआ है, ठीक है। और अब मैं चेक कर लेता हूँ इफ़ अगर रेडियो टू डॉट इज सेलेक्टेड अगर ट्रू होगा, ठीक है, डबल इक्वल टू अगर ट्रू है, इसका मतलब कि जो जी इज इक्वल टू मैं क्या कर दूँ, फीमेल कर देता हूँ, ठीक है। देखिए इस तरीके से मेरा रेडियो बटन भी आ गया। अब मुझे क्या जरूरत है, सिर्फ मुझे एड्रेस की जरूरत है, तो वो भी स्ट्रिंग, और मान लीजिए एड्रेस ले लेता हूँ इज इक्वल टू, और टी ए नाम था मेरा, टी ए डॉट गेट टेक्स्ट। अच्छा, अब ये सारी वैल्यू मुझे मिल गई। अब मुझे यही काम सेट टेक्स्ट के अंदर एक एक को डालते चले जाना है, ठीक है। क्या करना है, पहले मुझे नेम डालना है, तो मैं पहले नेम लिखता हूँ, नेम। अच्छा, नेम के बाद मैं कोलन लगा देता हूँ और स्पेस देता हूँ और नेम की वैल्यू प्रिंट कराते, चलिए प्रिंट मैं एक एक करवाऊँगा, तो नेम, ठीक है। इसके बाद अच्छा नेम नाम नहीं एस टी नेम मैंने लिखा है, सॉरी, देखिए वेरिएबल का नाम मेरा एस टी नेम है, तो एस टी नेम में लिखा। फिर मैं चाहता हूँ कि पहले इसको दिखा दूँ आपको क्या हो रहा है इससे, तो रन। अब बाकी चीज़ें अभी एक मिनट में टाइम नहीं लगेगा मुझे बताने में। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे लिखा अपना नाम अश्वनी, ठीक है, और मैं इस पर क्लिक टिक करके अगर क्लिक करूँ, देखिए मेरा नाम दिखा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से मैं सारी वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहता हूँ स्टेक बॉक्स में। अब मेरे पास वैल्यू सारी आ गई, मैं प्लस लगाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आता हूँ और डबल इनवर्टेड कॉमा में स्लैश एंड न्यू लाइन कर लेता हूँ, और इसके बाद मुझे मोबाइल नंबर प्रिंट करवाना है, तो मैं लिखूँगा मोबाइल कोलन स्पेस और प्लस, और मैं लिखा हूँ कॉन्टैक्ट नाम से वेरिएबल है, ठीक है। फिर प्लस लिखता हूँ, यहाँ पे आता हूँ डबल कॉमा में स्लैश लगाता हूँ, यन लिखता हूँ, और उसके बाद मेरा डेट ऑफ बर्थ था DOB, ठीक है, कोलन लिखता हूँ, स्पेस देता हूँ। अब इसमें मुझे सारी वैल्यू चाहिए एक एक करके, पहले मुझे डे की वैल्यू चाहिए, तो डे अंडरस्कोर नेम है प्लस, और दोनों के बीच में डैश लगा लेता हूँ, तो डैश मैसेज हो जाएगा। फिर प्लस और मंथ अंडरस्कोर नेम, ठीक है, फिर मंथ अंडरस्कोर नेम, सॉरी यहाँ पे ये डबल कॉमा नहीं रहेगा, ठीक है, और प्लस, और इसके बाद डबल कॉमा में डैश को, ठीक है, फिर प्लस ईयर अंडरस्कोर नेम, ठीक है। ये सारी वैल्यू मेरी इस तरह आती चली जा रही है। अब मुझे आना है, और ये कुछ गड़बड़ हो गया क्या, डे नेम, एक मिनट कंट्रोल जेड करता हूँ, डे नेम, मंथ नेम, और प्लस ईयर अंडरस्कोर नेम, ये गलत था थोड़ा सा, चलिए फिर प्लस करके आता हूँ और अगले लाइन में स्लैश एन और जेंडर कोलन स्पेस प्लस जी की वैल्यू ले लेता हूँ, जी के अंदर मैंने स्टोर किया है। फिर आता हूँ डबल एंड कॉमा में स्लैश एन एड्रेस कोलन स्पेस और प्लस ADDESS, इस तरीके से मेरी सारी वैल्यू आ गई। अब मैं इसको रन करवाता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, प्रोग्राम मेरा लगभग में कंप्लीट हो गया है।
देखिए थोड़ा समय लगा लेकिन आपने एक बहुत अच्छी चीज़ देखी है यहाँ पे। मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ, देखिए ये आ रहा है। और मैं पहले नाम डाल दूँ, AS अश्वनी, मोबाइल नंबर 9956477677, ठीक है कुछ भी डाल देता हूँ। ठीक है चलिए बीच की कोई वैल्यू ले लेता हूँ। ठीक है टेक स्टेशन गोरखपुर टिक करता हूँ, क्लिक करता हूँ, देखिए सारी वैल्यू मेरे प्रिंट हो गए। इस तरीके से इस वीडियो में हम लोगों ने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया, उसकी वैल्यू को प्रिंट कराई। ये वीडियो थोड़ा लंबा तो हुआ होगा, बट अगर आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए ताकि मुझे एक नए वीडियो बनाने में और मोटिवेशन प्राप्त हो।